Will you doubt your dreams or decide to succeed? At Shulini University, you join the next generation of top professionals and problem solvers through world-class innovation and research. Shulini University. Think learning, think success. ब्रिटिश हुकूमत काल के शिमला जिले के सबसे पुराने स्कूल की सुध लेने वाला कोई नहीं है। रामपुर मुख्य बाजार स्थित इस केंद्र प्राथमिक पाठशाला ने हालांकि सीमित संसाधनों के बावजूद भी निजी स्कूलों से छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही कारण है कि अब तक निजी नामी स्कूलों को छोड़ 100 से अधिक छात्र इस सरकारी स्कूल में दाखिला ले चुके हैं। अब हालात ऐसे हैं कि ना तो छात्रों को सुबह की सभा में खड़ा करने के लिए स्थान है और ना ही कक्षाओं के लिए कमरे। अभिभावकों ने यह समझकर स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाने शुरू किए कि स्कूल महत्वपूर्ण स्थान पर है, सुविधाएं भी उच्च दर्जे की ही होगी। स्कूल में नर्सरी से पांचवीं तक करीब 350 बच्चे हैं। इस वर्ष की निजी स्कूलों को छोड़ इस केंद्र प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाई के लिए 100 छात्र पहुंचे हैं। इसी तरह नर्सरी में भी 35 नैनीहाल है, लेकिन छात्रों के लिए सुविधा ना होने से शिक्षकों के लिए भी समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में सुबह की प्रार्थना सभा भी ठीक से नहीं हो पाती। कक्षाओं में छात्रों को भेड़ बकरियों की तरह बैठना पड़ता है। कक्षाओं में 2 छात्रों के बैठने वाला स्थान पर 3 से 4 छात्रों को बिठाना पड़ रहा है। ऐसे में छात्र आसानी से लिख पढ़ भी नहीं पाते और स्कूल में जलवाहक ना होने से नर्सरी और अन्य छोटे बच्चों को पानी पिलाना भी मुश्किल हो गया है। अभिभावकों का कहना है कि सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए प्रयास तो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सुविधाएं होनी चाहिए वे नहीं दी जा रही है। कमल ने बताया कि सरकार की ओर से बताया गया कि बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। उन्होंने निजी स्कूल से बच्चों को यहाँ लाए, लेकिन यहाँ बच्चों को बैठने के लिए ना तो स्थान है और ना ही खेलने के लिए मैदान है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में इससे ज्यादा सुविधाएं हैं। चल मैं कमलचंद, राजकीय प्राथमिक पाठशाला का विषय। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल से, मैंने प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में लगे, तो सरकार ने बोला कि अच्छी व्यवस्था दे, तो यहाँ पर आके देखा तो एक तो ना बच्चों को बैठने के लिए है, ना ग्राउंड खेलने के लिए, साथ में ना टीचर है। अब हम कहाँ जाएँ बच्चों को लेकर? अब प्राइवेट स्कूल से सरकारी में डाल दिया, अब सरकारी स्कूल में समस्या है तो क्या करेंगे? वहीं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी प्रधान ने बताया कि बच्चों को बैठने के लिए बच्चों को स्थान नहीं है और फर्नीचर की भी कमी है और ना ही यहाँ मैदान है। साथ ही साथ अध्यापकों की भी यहाँ कमी है और शौचालय भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जलवाहक का पद पिछले 3 वर्षों से रिक्त है। उन्होंने सरकार से भी मांग की है कि जल्द से जल्द तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। मेरी मांग यही है स्कूल सरकार से कि भाई पिछली वर्ष हमारी स्ट्रेंथ इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसमें हमें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अध्यापकों की कमी हो चुकी है, हमारे पास वाटर कैरियर नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है, शौचालयों का बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, बच्चों के लिए जो अन्य सामान आना चाहिए फर्नीचर नहीं है, जिससे कि हमारी डर है कि भाई इस वर्ष कहीं पढ़ाई पर बच्चों के असर ना पड़े स्टाफ की कमी से। सरकार इस पर ज्यादा ध्यान दे और जल्द से जल्द इसको पूरा करने की कोशिश करे। वहीं केंद्र मुख्य अध्यापक बहादुर लाल ने बताया कि इस पाठशाला की स्थापना वर्ष 1929 में हुई है। उन्होंने बताया कि बच्चों की संख्या 312 है, लेकिन बैठने व मैदान की कमी है और शिक्षक भी कम है और बच्चों की संख्या लगातार इजाफा कर रही है। वहीं तीसरी कक्षा के छात्रों ने बताया कि मैदान की कमी से मुश्किल है, कक्षा में भी बैठने के लिए उन्हें स्थान नहीं मिलता। चलो मैं राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला का छात्र तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। जब हम मॉर्निंग असेंबली में जाते हैं तब हमें बहुत तंग होता है। हम एक डेस्क पर 3-4 बैठते हैं, जिसे हम ना तो पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं।
छात्रा जागृति शर्मा ने बताया कि उनके स्कूल में एक ही स्मार्ट क्लास है। वे चाहती है कि सभी कक्षाओं में स्मार्ट कक्षाएं हो ताकि बच्चे आधुनिक तौर से शिक्षा पा सके। मेरा नाम जागृति शर्मा है। मैं राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला रामपुर बुशहर कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरी पाठशाला में एक ही स्मार्ट क्लास है। मैं चाहती हूँ मेरी पाठशाला में पूरी कक्षाओं में स्मार्ट क्लासरूम बने। वहीं एक और अन्य छात्र ने बताया कि जब मॉर्निंग असेंबली में वे जाते हैं तो उन्हें खड़े रहने में मुश्किल होती है और फिर क्लास में भी वही हाल होता है और उन्हें जगह नहीं मिल पाती है। चलो, मेरा नाम स्वाली जोशी है। मैं राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला में पढ़ती हूँ। मैं 5वीं कक्षा की छात्रा। मेरे स्कूल में सिर्फ एक स्मार्ट क्लास है और बाकी के बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए हम बाकी कक्षाओं को भी स्मार्ट बनाना चाहते हैं ताकि वह अच्छे से पढ़ सके। आदर्श हिमाचल के लिए रामपुर से विशेषण नेगी की रिपोर्ट।